हाय नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खेती किसान यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग दवाई डालने के लिए जा रहे हैं सोयाबीन में, और ये देखिए पहले नंबर हमारे लिए कीचड़ का सामना करना पड़ा। ये तो छोटा कीचड़ है, लेकिन इससे बड़ा ये रहा, ये सबसे बड़ा कीचड़ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुविधा होती है अपने खेत पर जाने के लिए। इसमें से ट्रैक्टर निकालना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर फंस भी सकता है, लेकिन हमारा ट्रैक्टर तो शेर दिल है, तो यहाँ से हमारा ट्रैक्टर निकल जाता है। और अब हम खेत पर चलते हैं और आपके लिए बताते हैं कौन सी दवा का स्प्रे कर रहे हैं और कैसी क्या प्रयोग विधि है, डोज कितनी मात्रा में लेना है आपके लिए, तो पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए किसान भाइयों, खेत पर चलते हैं। तो ये रहे हमारे दादाजी, वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्गों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आगे हैं और ये हमारा ट्रैक्टर पीछे है, तो आगे आगे दादाजी चल रहे हैं और पीछे पीछे हमारा शेर जॉन डियर ट्रैक्टर आ रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी खेत पर पहुंचते हैं और वहां का व्यू दिखाते हैं आपके लिए, कैसी क्या फसल है वहाँ की, और फिर हम दवा का स्प्रे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रयोग विधि जानेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो चलिए जल्दी जल्दी खेत पर पहुंचते हैं। तो हम लोग खेत पर आ गए हैं और दवा का मिश्रण तैयार कर रहे हैं, तो विधि जानते हैं। तो घोल तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले अमोरा हर्बिसाइड को लिया है, और ये 1.5 लीटर की बोतल है। इसे पहले हमने इस कुप्पे में डाल दिया है, फिर इसके बाद हम पानी डालेंगे। तो 11 लीटर आपको पानी डाल लेना है। तो ये हमारा 3 एकड़ का डोज तैयार हो रहा है 4 पंप के हिसाब से। और किसान भाइयों, यदि आप 50 ml पर पंप के हिसाब से डालते हैं, तो आप 10 पंप 1 एकड़ में स्प्रे करें। और यदि आपके यहाँ पानी की समस्या है, तो आप इस तरीके से घोल बनाकर 4 से 5 पंप प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। तो ये देखिए, इस तरीके से हम घोल तैयार कर रहे हैं, और इसमें हमने अभी क्यूरेन हर्बिसाइड को भी मिलाया है, जिसमें टेक्निकल है क्लोइम्यूरोन इथाइल 25% WP फॉर्म में यह टेक्निकल इस दवा में मिल जाएगा। तो अमोरा और इस क्यूरोन हर्बिसाइड को दोनों को हमने मिला दिया है, और अब हम सर्फेक्टेंट को डाल रहे हैं। तो इस घोल में हमने बैरेक्स कंपनी का बैरेक्स वेटर सर्फेक्टेंट को मिलाया है। अब हम अच्छे तरीके से घोल तैयार कर लेते हैं। और किसान भाइयों, यदि हम डोज की बात करें, तो घोल में हमारे लिए 125 ml प्रति पंप के हिसाब से दवा का स्प्रे पड़ जाएगा, जिसमें हमारे लिए 4 पंप लगाना ज़रूरी है। बिना घोल के दवा का स्प्रे करना चाहते हैं, तो आप 50 ml प्रति पंप के हिसाब से दवा का स्प्रे करें। उसमें आपके लिए 1 एकड़ में 10 पंप लगाना ज़रूरी है। तो अब दवा का स्प्रे होने लगा है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से दवा का स्प्रे किया जा रहा है। और ये सोयाबीन 20-34 सोयाबीन है, जो कि 15 से 16 दिन का हो चुका है। और खरपतवार की अवस्था की बात करें, तो इसमें 2 से 4 पत्ती निकल आई हैं, और इस समय हम दवा का स्प्रे कर रहे हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि खरपतवार जो है वो जल्दी से मर जाता है, और ज़्यादा डोज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये देखिए, यहाँ पर चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के दोनों ही खरपतवार हैं, तो दोनों ही खरपतवार के लिए हम अमोरा और क्यूरेन हर्बिसाइड को लिया है, और इसका स्प्रे किया जा रहा है।
तो हमारे साथ जो दादाजी आए थे वो अब जा रहे हैं और अभी हम लोग यहीं पर रुके हैं और दवा का स्प्रे करके फिर हम भी जाएंगे। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने किसान मित्र को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी ऐसी जानकारी मिल सके और ऐसी ही दवाइयों की और फसल की जानकारी आपको मिलती रहेगी हमारे YouTube चैनल पर। तो हमारे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ़ से राम राम।